हेलो बच्चों, नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मटर का पराठा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए छेमी हरी वाली, इसको छीलकर इस तरह से कर लेना है। और उसमें ये धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और मिर्चा। लहसुन आपका 2 फोटी है, जिस तरह से जिस हिसाब से आपका मटर हो उस हिसाब से ये लहसुन ले लीजिए। और एक बड़ा सा अदरक का डली है, और ये मिर्चा अपना तीखा खाने के हिसाब से। सबसे पहले कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है, इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल अगर गरम हो गया तो इसमें आप ये मटर डाल दीजिए। इसमें आप ये मिर्चा डाल दीजिए, अदरक लहसुन भी इसमें डाल दीजिए। और इसको थोड़ा सा ढक ढक कर हल्का सा इसको गलाना है। ये देखिए ये छेमी हो गया, इसको अब निकाल कर इसको मिक्सी में थोड़ा ठंडा करके पीस लेना है। ये छेमी का पराठा आप लोग के फरमाइश पर मैं बना रही हूँ। अब इसको आप पीस लें मिक्सी में डाल के। ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। इसको प्याज को इसी में आपको ब्राउन कर लेना है, बहुत ब्राउन नहीं, आधा इसको। और आटा जैसा रोटी बनाते हैं उस तरह से आप इसको गूंद लें। ये प्याज इस तरह से बस इतना ही लाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें मिला दीजिए मटर में। अब इसमें आप नमक अंदाज से डाल दीजिए, एक गरम मसाला, वही गरम मसाला जो काली मिर्च और जीरा भूज कर बनाया जाता है। और ये जीरा पाउडर, धनिया पत्ती, सबको मिला लेना है। मिलाकर फिर इसको आटा जैसा रोटी का गूंदती हैं, इस तरह से आटा गूंद लें। फिर इसको पराठा बनाना है। ये देखिए ये मेरा ये तैयार हो गया, सब मिला ली हूँ। थोड़ा सा गीला हो गया, इसमें गीला हो जाए तो आपका मखाना का पाउडर मिला लीजिए। ये देखिए मैं मिला देती हूँ, इससे पूरा पानी सूख के एकदम सूखा हो जाएगा। और इसको फिर ये इस आटे में भर भर के इसको पराठा बना लेना। ये देखिए सूख गया, जरा से अपना अंदाज से आप तनमा खाना का पाउडर डाल सकती हैं इसमें। इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और सूख भी जाएगा। इस तरह से आप देखिए ये सूख गया एकदम, थोड़ा गीला हो ही जाता है, ये मटर है इसलिए गीला हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से सुखा लें पानी इसका, देखिए सूख गया। अब ये अच्छे से आटे में भरा सकता है। ये देखिए ये एकदम सूख गया, अब इसको इस तरह से भर लीजिए। इसको भर के एकदम आराम से अब भरा जाएगा ये। और इसको पतला पतला बेल कर इसको तवे पर डाल दीजिए। ये देखिए ये बन गया, अब इसको बेल रहे हैं। आटा लगा के इसको आराम से इस तरह से ले लीजिए। ये देखिए ये अब इसको इस तरह से सेक लीजिए, और एकदम पूरा अच्छे से सेक आ जाए तो फिर इसके बाद सरसों तेल डाल के इसको तल के निकाल लेना है, उतार लेना है। ये देखिए ये अब इसमें मैं तेल डाल दी हूँ सरसों,
पूरा ब्राउन हो जाए इसको आप उतार लें। तो मटर का छेनी का पराठा तैयार हो गया। आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर गीला हो जाए तो इसमें तरमा खाने की पाउडर मिला दें, सूख जाएगा फिर अच्छा से बनने लगेगा। ये देखिए पूरी तैयार हो गया, पूरी वो पराठा इस तरह से ग्रीन पराठा मटर का तैयार हो गया। और चटनी टमाटर का पहले मैं बता चुकी हूँ कि टमाटर को भूज कर इसमें धनिया और मिर्चा महीन महीन काट कर मिला देना है और तैयार हो गया। आप लोगों को वीडियो पसंद है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।